हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे वुड सेलेक्ट पर रिलीज हुआ एक नया शो जिसका नाम है सुमेर सिंह केस फाइल गर्लफ्रेंड। इससे पहले हमने सुमेर सिंह केस फाइल कौशिकी देखा था, मैंने नहीं देखा था। अगर आप लोग भी उन ऑडियंस में से जिन्होंने कौशिकी ये शो नहीं देखा था तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर शो और इस पर्टिकुलर शो में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। खैर, आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर शो की, तो इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने मिलते हैं। इसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 22 मिनट से लेकर 37 मिनट की है और ओवरऑल लेंथ है 3 घंटे 20 मिनट। खैर, शो की कहानी शुरू होती है सुमेर सिंह से। कोइंसिडेंटली एक दिन इनकी मुलाकात होती है निराली से, जो कि बोल्ड और बिंदास लड़की होती है। निराली की 3 फ्रेंड्स होती है, वैदेही, अनन्या पांडेनी, अनन्या और सोनल चौधरी। ये चारों लड़कियाँ अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है। इनकी लाइफ में पैसा है, मनी है, सेक्स है, पार्टी है, यानी कि सब कुछ है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोनल चौधरी को एक ऑनलाइन फ्रॉड के केस में पकड़ लिया जाता है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। खैर, अब बात करेंगे इस शो की, तो यहाँ पर जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिली तो उनको देखकर मुझे शो स्टार्टिंग में से लगा कि यार ये रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसा चूतिया शो तो नहीं निकलेगा। लेकिन आई वॉज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह से शो की शुरुआत हुई है फिर उसके बाद जैसे शो आगे प्रोग्रेस किया है वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट टोटली शो में बनता जा रहा था। और ये पूरे शो में आप लोग पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाओगे, इतना तो मेरी गारंटी है। खैर, उसके अलावा शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 5-6 कैरेक्टर्स हैं जिनको अच्छी तरह से शो में बताया है। मैं ये नहीं बोलूँ कि उनको डेवलप किया, लेकिन हाँ, उनकी जो जो सिचुएशंस यहाँ पर बताई उससे आप लोग इजीली कनेक्शन बना लेते हो। और इन चारों लड़कियों को देखकर आपको एक ही चीज़ लगेगा कि हाँ, वाकई में आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल इसी तरह की है। मैक्सिमम लड़कियाँ आपको इसी तरह की देखने को मिलेगी, तो काफ़ी हद तक रियलिटी के करीब आपको ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा शो की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, इस तरह के शो को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से किया। हर एक सीन को बहुत अच्छी तरह से शूट किया। शो का बीजीएम मुझे अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, लेकिन जो सॉन्ग्स थे वो सॉन्ग्स मुझे कई जगह पे अननेसेसरी के लग रहे थे और उनके लिरिक्स में भी कुछ उतना खास दम नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके अलावा अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई, जितनी भी जो फीमेल एक्ट्रेस थी, और वो ये चिरकुट जो आपको बहुत सारे MTV के शोज में एंकर भी बन चुका हो, पता नहीं शायद ये रोडीज में भी आ चुका है, तो ये और बाकी जितनी भी फीमेल एक्ट्रेस थी उन लोगों ने ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा लग रहा है कि बस वो लोग रियल लाइफ में भी इसी तरह के हैं। मतलब उनके पास कुछ अलग हटके परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं था, मतलब वो लोग जिस तरीके से रियल लाइफ में बस उनको वही सारी चीज़ें यहाँ पर करनी थी शायद, तो वो लोगों ने ठीक ठाक काम किया। हाँ, रण विजय की बात करो तो वो एज अ कॉप इम्प्रेसिव लगे मुझे, और आई होप कि मैं इस शो के बाद मैं वो कौशिकी वाला शो डेफिनेटली चेकआउट करूँगा सिर्फ और सिर्फ रण विजय के परफॉर्मेंस के लिए। उसके अलावा शो की अगर एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये शो 8 एपिसोड या कह सकते हो आप 3 घंटे 20 मिनट की लेंथ डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अननेसेसरी के सीन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे जो मतलब डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी यार। मतलब आप कह सकते हो कि 20 से आधा घंटा आराम से इस शो का एडिट किया जा सकता था अगर मेकर्स चाहते तो, मगर जैसे कि पता नहीं क्या उनको ज़्यादा एपिसोड बनाने की क्या खुजली होती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वरना 8 एपिसोड नहीं, इसमें अगर 6 एपिसोड होते तो वो एकदम परफेक्ट होता। शो का डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा, राइटिंग भी बहुत अच्छी तरह से की गई है, लेकिन हाँ, एक जगह शो में ऐसी है जहाँ पर आप लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि, और ये मैं नहीं बल्कि 90% ऑडियंस इस शो के बीच में ही आराम से गैस कर लेगी और एंड में वही चीज़ निकलती है। और पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ अननेसेसरी के एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ बैड वर्ड्स भी सुनने को मिलेंगे लड़की और लड़के दोनों के मुँह से सुनने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप लोग खुद अब डिसाइड कर लो। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। डेफिनेटली ये एक वॉचेबल शो है, ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस इस वीडियो में इतना, आई होप आपको ये छोटी सी कोशिश मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करना, और आप लोग इस चैनल को जितना सपोर्ट करोगे उतना ये चैनल ग्रो करेगा। तो बस यार, इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।